नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। कल पटना में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि इसमें बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत भी हो गई है और इन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है और ये विशेष टीम ही पूरे मामले की छानबीन भी करेगी। बता दें आपको कि इस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया है। कहा गया है कि प्रशासन की बर्बरता और राज्य सरकार की तानाशाही रवैया की जेपी नड्डा ने घोर निंदा की है। इसके साथ ही पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता विजय सिंह की मौत पर ही गहरा दुख भी व्यक्त किया है। जेपी नड्डा ने इस मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है और एक लेटर बीजेपी की तरफ से जारी किया गया जिसमें साफ तौर से लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पटना में 13 जुलाई 2023 को पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस प्रशासन की बर्बरता एवं राज्य सरकार की तानाशाही रवैये की घोर निंदा की है तथा पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता श्री विजय कुमार सिंह की मृत्यु पर गहरा दुख भी जताया है। पुलिस द्वारा किए गए इस लाठीचार्ज में कई वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। इसमें तमाम नाम भी शामिल हैं और बता दें आपको कि ये जो जांच कमेटी का गठन किया उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, तो इसमें कमेटी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, सांसद विष्णु दयाल राम और सांसद सुनीता दुग्गल को भी शामिल किया गया है। बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम पटना आएगी और लाठीचार्ज की घटना की जांच कर रिपोर्ट पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा को सौंपेगी और बीजेपी के राष्ट्र महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इस बात की जानकारी भी दी है। और बता दें कि किस तरीके से ये जो कल पटना में लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि तमाम बीजेपी नेता जो हैं वो सड़क पर उतर आए थे और पुलिस के तरफ से लाठीचार्ज हुई है जिसको लेकर कई बीजेपी नेता घायल हो गए और उसमें एक बीजेपी नेता की मौत भी हो गई है, उसको लेकर काफ़ी सियासी बवाल मचा हुआ है। और अब जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि तमाम चीज़ें जो हुई है उसमें विजय सिंह की जो मौत हुई है उसका भी उन्होंने गहरा दुख जताया है और कहा है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो कि इसके बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे और ये रिपोर्ट जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा जाएगा। बता दें कि जिस तरीके से कल ये पूरा मामला सामने आया था उसको लेकर जेपी नड्डा ने ट्वीट करके भी बताया था कि कैसे प्रशासन और ये सुशासन जो है अपनी हार को लेकर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा उग्र हो चुके हैं और यही नतीजा है कि बीजेपी नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा के तरफ से ये जो फरमान जारी किया गया है, विशेष टीम की जो गठन किया गया है, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।